अब अगर इसके प्राइस टैग की अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो 360 यूएस डॉलर की इसकी ऑफिशियल प्राइस है। पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है अराउंड 95,000 इज अवेलेबल एट गेम स्टोर यू। आप गेम स्टोर यू से बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। पैकेजिंग की अगर इसकी वैसे ही मैं बात करूँ आपसे तो रेगुलर स्विच की तरह ही है, बस ऊपर से बेसिक आपको निंटेंडो की जो पैकिंग है सब रेगुलर। अगर बॉक्स के बैक में मैं आपको दिखा देख सकते हैं कि एवरीथिंग स्पेशली डिजाइन इन स्प्लैटून थीम, और इसके साथ कोई गेम नहीं है, कोई ना कोई गेम अवेलेबल है ना कोई इन्होंने डिस्क दी है। और नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। बॉक्स को ओपन करते साथ ही आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है वो है जॉयकॉन, रेगुलर स्विच कंसोल की इसकी जो पैकिंग है, और टॉप पे जॉयकॉन्स और नीचे बॉटम पे कंसोल दिया गया है। मैं जॉयकॉन्स को और कंसोल की पैकिंग को अगर मैं रिव्यू कर देता हूं तो नीचे कंपार्टमेंट पर आपको देखने को मिल जाती है एक स्टैंडर्ड HDMI केबल देखने को मिल जाती है जो कि इसमें कनेक्ट होगी, एंड पावर अडॉप्टर है जो कि आपके कंसोल को चार्ज भी करेगी एंड डॉक पे भी कनेक्ट होगी, एंड जॉयकॉन ग्रिप है जो कि ब्लैक कलर का है। इसमें रेगुलर जो नॉर्मल जो स्विच इसमें आते रहते हैं पुरानी पैकेजिंग में भी, ये पुराने स्विच में इसी तरह नॉर्मल ब्लैक कलर में है ये। एंड इसके बाद है हमारे पास स्ट्रैप्स जो कि आप देख सकते हैं कि ये जॉयकॉन के कलर से मैच हैं, और लास्ट है हमारे पास इसमें वो है डॉक, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है डॉक जो कि आप देख सकते हैं वाइट फिनिश में है। ऑल ओवर आप देख सकते हैं स्प्लैटून 3 का आर्ट वर्क है एंड येलो स्प्लैट जो कंप्लीट थीम को कैरी कर रहा है, फ्रंट एंड बैक दोनों पे आर्ट वर्क देख सकते हैं स्प्लैटून 3 का। बॉक्स को साइड पे रखने के बाद मेरे पास अब आता है जॉयकॉन। जॉयकॉन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास जॉयकॉन है वो मल्टी कलर नियॉन एंड लेफ्ट जॉयकॉन है जो कि आप देख सकते हैं फुल मल्टी कलर है, डार्क ब्लू ऑन दी टॉप एंड बॉटम से आपको पर्पल का शेड दिख रहा होगा। फ्रंट एंड बैक पे स्प्लैटून 3 की थीम फुली स्प्लैटून 3 की थीम है। एंड इसके बाद मेरे पास आता है राइट जॉयकॉन जो कि आप देख सकते हैं मल्टी कलर नियॉन में है, मल्टी कलर है ये भी नियॉन ऑन दी टॉप है एंड ग्रीन बॉटम से ग्रीन आपको शेड दे रहा है, वही आपको सेम स्प्लैटून 3 की ग्रेफिटी वगैरह जो फ्रंट एंड बैक पे आपको दिख रही होगी इस जॉयकॉन में, दोनों जॉयकॉन में आपको जो कि आप देख सकते हैं दोनों जॉयकॉन्स पे। और इस ग्रिप में जो कि ब्लैक कलर का जो ग्रिप है जो हमारे साथ दिया गया है, अगर इस ब्लैक ग्रिप में मैं ब्लैक कलर की ग्रिप में अगर ये दोनों जॉयकॉन्स लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रिप बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक दे रहा है, बहुत ही ज्यादा कूल लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर की ग्रिप में अगर ये जॉयकॉन्स हम लगाए तो। और इसके बाद है हमारे पास OLED कंसोल मॉडल कंसोल विच इज 7-inch स्क्रीन विद अ थिन बेजल और डिस्प्ले। कंपेयर करें रेगुलर स्क्विच से तो आई मस्ट से OLED इज द विनिंग कंसोल। अगर मैं आपको स्टैंड के पीछे भी दिखा दूं तो जैसे ही आप अगर अपना स्टैंड रखना चाहते हैं यूँ आप अपने स्विच को रख भी सकते हैं, एंड यहाँ पे जो आपका मेमोरी कार्ड होगा अगर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप लगाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड मेमोरी कार्ड की स्टोरेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपना मेमोरी कार्ड। तो यार आपको मैंने तकरीबन इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखा दी और इसका रिव्यू भी बता दिया है। रिव्यू इतना खास तो नहीं था, बस आपको डिफरेंस बता दिया रेगुलर स्विच में और निंटेंडो OLED में, एंड इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखा दी। बहुत ही अच्छा कंसोल है, बहुत ही गुड लुकिंग है एंड लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।